ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग करने जा रहे हैं आप सभी प्यारे लोगों के लिए। जी हाँ, स्टोरी ऑफ योर लाइफ, आपकी ज़िंदगी की कहानी, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इसमें हम डिस्कस करेंगे। ये आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट पे बेस्ड होगा। जिनका भी नाम ए से लेके एम के बीच में आता है उनके लिए पायल नंबर 1 होगा, और जिनका भी नाम एन से लेके जेड यानी कि जी के बीच में आता है उनके लिए पायल नंबर 2 होगा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। ए से लेके एम के बीच में जिनका भी नाम आता है उनके लिए होगा पायल 1, और एन से लेके जी के बीच में जिनका भी नाम होता है उनके लिए पायल नंबर 2। आप अपनी जो पाइल्स हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। टाइम्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है या कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग। और आगे बढ़ने से पहले, जो लोग पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो ऊपर स्क्रीन पर हैं, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। और जो लोग डेली टैरो रीडिंग वॉच करना चाहते हैं, जी हाँ, अगर आप डेली टैरो रीडिंग देखना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और फॉर यूज़फुल टिप्स एंड रेमेडीज़ आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट फॉर ऑल यू पीपल। और देख लेते हैं, पाइल नंबर 1 से शुरू करते हैं। ठीक है, जिनका भी नाम ए से लेके एम के बीच में आ रहा है, ठीक है, और उनके लिए पाइल नंबर 1 है। और देख लेते हैं आपकी ज़िंदगी की कहानी। Isn't it exciting? Yes, मैं खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ देखने के लिए क्या है। और हम गाइडेंस भी देखेंगे आगे के लिए। तो लेट्स फाइंड आउट फॉर ऑल द पीपल। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, बात करें पाइल नंबर 1। ठीक है, सबसे पहले जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, दैट यू हैव kept lot of patience। आपने बहुत ज़्यादा patience अपनी लाइफ में रखा। यू आर अ वेरी वेरी लाइक patient person, यू नो, आप बहुत ज़्यादा, आपके अंदर वो सेल्फ कंट्रोल है, patience है बहुत ज़्यादा। दूसरा ये कि येस रिलेटेड टू हार्ट मैटर्स, ठीक है, अगर दिल की बात करें तो शायद हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ पे धोखा खाया हो पास्ट में, ठीक है, या जैसा आपने सोचा हो वैसा नहीं हुआ हो। मे बी इट्स अबाउट अरेंज लव, जो भी है, ठीक है, या लाइक हो सकता है कि गलत पर्सन के पीछे आप गए हो, तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। ठीक है, पर अब मुझे ऐसा लगता है कि जो आपकी जो लाइफ है, इट्स गोइंग टू बी ब्यूटिफुल। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। यस, आप उस चीज़ में से निकल गए हैं और अब आप अपनी लाइफ में बहुत सोच समझ के आगे स्टेप्स बढ़ा रहे हैं, चाहे आपकी लव लाइफ है चाहे करियर है। ठीक है, आप बहुत समझ के, पहले आप दिल से बहुत ज़्यादा काम लेते थे, ऐसा नहीं है कि आप नहीं लेते हैं, बट अब आप थोड़ा सा स्केप्टिकल हो गए हैं। आपको लगता है कि नहीं, सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए, थोड़ा सा यू नो सोच सोच के आगे बढ़ रहे हैं, वो चीज़ दिखाई दे रही है। ऑल दो आप यहाँ देख सकते हैं कि लाइक एक पर्सन है, एक लेडी है, वो एक गार्डन में है, ठीक है, फ्लावर्स हैं, बट स्टिल, ठीक है, एंड मे बी येस इट्स टाइम फॉर एप्रिसिएशन। आपने बहुत, आप आगे आए भी हैं, ठीक है, और इट्स अबाउट एप्रिसिएशन। जितना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में अप्रिशिएट कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उतना ज़्यादा आप तरक्की की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ये हमें ओवरऑल एनर्जी दिखाई दे रही है। तो थोड़ा अब और डिटेल में देखेंगे और फिर हम फ्यूचर की बात में करेंगे, ठीक है ना। पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि करंट क्या है, क्या हुआ पास्ट में, और चाहे आपकी लव लाइफ है चाहे करियर है, ठीक है ना। लव लाइफ में देखिए, आपने तो अपनी तरफ से एफर्ट्स बहुत पुट किए हैं, ठीक है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आपने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स पुट किए, लेकिन समहाउ शायद हो सकता है वो चीज़ें काम नहीं की इन द पास्ट,
ठीक है, और आपने अपनी तरफ से रिलेशनशिप को टाइम दिया, मेहनत किया, ठीक है, बट समहाउ थिंग्स डिड नॉट वर्क, और या हो सकता है कि चल रहा था तो वो आप ही की वजह से चल रहा था, दैट काइंड ऑफ अ थिंग, और शायद हो सकता है कि आप वेट कर रहे थे कि कब आपके पर्सन भी एफर्ट्स पुट करें, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है इन द पास्ट, ठीक है, अगर हम लव लाइफ और रिलेशनशिप की बात करें, और करियर वाइज मुझे ऐसा लगता है यू हैव कम अलॉन्ग वे, करियर वाइज बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, आपने तरक्की की है, आप बहुत आगे आए हैं, ठीक है, जहाँ आप हुआ करते थे अब वो पोजिशन नहीं है, यू हैव कम अलॉन्ग वे, ठीक है, ये हमें दिखाई दे रहा है। यस, कुछ के लिए हो सकता है कि जितनी जल्दी रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ उतनी ही जल्दी एंड अप हो गया, ये शायद हो सकता है आपके पास्ट में हुआ हो, ठीक है। अब अगर मतलब अगर हम रिलेशनशिप सेक्टर की ही पहले बात कर रहे हैं कि आपने पेशेंस रखा, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी लव मैरिज हुई बट इट डिड नॉट लास्ट, या कोई रिलेशनशिप था बड़ा शॉर्ट टर्म रहा, इट डिड नॉट लास्ट, ठीक है, और अब आप फाइनली लाइक यू नो यू आर कमिंग आउट ऑफ इट, या आपको समझ आ गई है, ठीक है, और ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं, और स्टिल आपको समझ आ रहा है कि कैसे रिलेशनशिप को चलाना है, क्या करना है, सो एफर्ट्स आप डाल रहे हैं, वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है। करियर की बात करें तो ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ दैट यू हैव कम अ लॉन्ग वे, ठीक है, फॉर पाइल नंबर वन आप बहुत आगे आए हैं। नाउ अब ये तो है पास्ट की बात, अब हम करंट की बात कर रहे हैं। ओके, करंट में अगर बात करें तो लव सेक्टर इट सीम्स टू बी स्लो, ठीक है, थोड़ी चीज़ें स्लो चल रही हैं फॉर ऑल यू पीपल। लिब्रा एनर्जी पता नहीं क्यों बार बार आ रही है, दैट आई एम गेटिंग लिब्रा एनर्जी, आई डोंट नो व्हाई। ओके, तो शायद हो सकता है कि बहुत स्लो चल रही हैं चीज़ें, ठीक है, या पर्पसली मुझे मैंने आपको बोला था ना कि आप सोच समझ के आगे बढ़ रहे हैं, इतनी जल्दी स्टेप्स नहीं ले रहे हैं आप ध्यान से, कहते हैं ना दूध का जला भी, जो दूध का जला है वो छाछ भी फूक फूक के पीता है, वो वाला जो है वो आपके ऊपर डिपेंड मतलब बिल्कुल परफेक्ट फिट बैठ रहा है, तो वो चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है फॉर ऑल यू पीपल, येस ऑफ कोर्स, बट करियर वाइज अगेन वो चीज़ है कि इट्स गोइंग वंडरफुल, आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत कुछ लाइक अ नॉलेजेबल पर्सन, ठीक है, लाइक किसी चीज़ की बहुत अच्छी नॉलेज, वो चीज़ दिखाई दे रही है, लर्निंग समथिंग, एंड इट्स अबाउट स्पिरिचुअलिटी एज वेल, कि आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और लव सेक्टर में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मे बी इट्स अबाउट सिचुएशन थोड़ी सी अभी ऐसी है, डावाडोल है, या इट्स अबाउट कनेक्शन स्लो चल रहा है, ठीक है, और मे बी इट्स अबाउट की कोडिपेंडेंसी इमोशनली, बट धीरे धीरे आपको समझ आ रही है, ठीक है, आप रियलाइज़ कर रहे हैं ये चीज़ सिचुएशन क्या है, ठीक है, वो आपको समझ आ रही है, और येस ऑफ कोर्स कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट अ न्यू पर्सन, ठीक है, कि अब आप नए लाइक नए रिलेशनशिप में हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, अ न्यू बिगनिंग, ये हमें दिखाई दे रहा है, और लाइक आगे की तरफ बढ़ना, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर ऑल द पीपल पाइल नंबर वन के लिए, और करियर वाइज ग्रेट, ठीक है, नया एक्सपीरियंस है, कुछ नया एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ओके, अब हम बात करेंगे लाइक फ्यूचर, आई थिंक इट्स अबाउट रिकन्सिलिएशन, इट्स अबाउट कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट हैप्पी टाइम्स इन रिलेशनशिप, मुझे यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही हैं, हाउ आई एम गेटिंग लाइक लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ हियर, नंबर 24, ठीक है, ऑस्पिशियस नंबर है, सिक्स नंबर ऑल्सो आई एम गेटिंग लॉट ऑफ लाइक ऑप्शंस कमिंग योर वे, या दो चीज़ें हैं, इफ़ यू आर मैरिड तो मुझे ऐसा लगता है कि आप नए तरीके अपना रहे हैं सो दैट आप अपने रिलेशनशिप को ठीक कर सकें, या हो सकता है कि बेटर बना सकें, यू नो वो चीज़ दिखाई दे रही है। कुछ के लिए इट्स अबाउट लुकिंग अप फॉर लॉट ऑफ ऑप्शंस, जो लोग सिंगल हैं वो उनको मैं क्लियर कर दूँ यहाँ पे भी, जो लोग सिंगल हैं, ठीक है, लॉट ऑफ पीपल विल बी इंटरेस्टेड इन यू, या हो सकता है कि नए दरवाजे खुल रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कहाँ स्टेप इन करना चाहते हैं, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है पाइल नंबर वन के लिए, एंड एक्सप्लोरिंग, और कहते हैं ना एक दरवाज़ा होता है जो आपको बहुत ज़्यादा अपील करता है, बट यस यहाँ पे मुझे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, सो गुड एनर्जी। कुछ के लिए हो सकता है रिकन्सिलिएशन, फैमिली टाइम, बॉन्डिंग, ठीक है, हैप्पी टाइम्स इन रिलेशनशिप, बहुत अच्छी बात है। फ्यूचर के लिए एनर्जी हमें पाइल वन नंबर वन के लिए दिखाई दे रही है, एंड करियर वाइज ट्रांसफॉर्मेशन, मान लीजिए शायद हो सकता है कि यहाँ पे आप मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, बट यहाँ मुझे चेंज दिखाई दे रहा है करियर वाइज, आई थिंक कुछ चीज़ें एंड है और कुछ चीज़ें आगे की तरफ बढ़ रही हैं, पर द गुड न्यूज़ इज़ वी हैव दैट विक्ट्री कार्ड हियर, सक्सेस,
अगर कुछ एंड हो रहा है तो ये आपके भले के लिए हो रहा है, बहुत कुछ अच्छा आगे होने वाला है। फॉर पाइल नंबर वन पीपल, डेथ कार्ड को ले देखे ना लोग डर जाते हैं, ओ माय गॉड डेथ, इट्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स अबाउट चेंज। आप देख सकते हैं यहाँ पे एंड हो रहा है और साथ ही नया सूरज उग रहा है, ठीक है, इट्स अबाउट दैट चेंज। और अब आप बहुत ज़्यादा यू नो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, लाइक जो बैड टाइम है वो ऑलरेडी ओवर हो चुका है आपके करियर में भी, और या आने बस होने वाला है, एंड आप विक्ट्री यू नो विक्टोरियस होके आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। पीपल विल लुक अप टू यू कि हाउ यू डिड इट, या लोग आपको देख के खुश होंगे और आपसे पूछेंगे आपने ये कैसे किया। ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है फॉर पाइल नंबर वन, ठीक है, इमर्ज होके आए हैं आप। एक सपना देखा आपने, ठीक है, और उसमें से आपने चूज़ किया कि येस यू वॉन्ट टू डू दिस, अगर हम करियर से रिलेटेड बात करें, ठीक है, कि आपने एक सपना देखा और आप बाहर की आपने उस पर इम्प्लीमेंट किया, आपने उसको स्टडी किया, ठीक है, और बहुत अच्छे से आपने उसके ऊपर वर्क किया और अब आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। सो सच अ ब्यूटिफुल एनर्जी वी आर गेटिंग, ठीक है ना। हमने यहाँ लव लाइफ की भी बात की है, यहाँ पर करियर की भी बात की है साथ साथ, ठीक है ना, कि ये हमें पाइल नंबर वन के लिए दिखाई दे रहा है कि आपने यू नो चाहे अगर लव लाइफ है तो भी आप इमर्ज हो रहे हैं, तो भी आपके लिए रास्ते खुल रहे हैं, और अगर करियर है तो भी आपके लिए यू नो लाइक आपने जो ड्रीम्स देखे हैं, आप जो विजन रख रहे हैं, ठीक है, पहले आपके अंदर एक फियर था, आपके अंदर एक वो था कि डर था कि आप कैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और लेकिन फाइनली वो डर निकल जाएगा आगे चल के, क्यों, क्योंकि जीत जैसे कहते हैं ना आपकी होगी, आप आगे बढ़ेंगे, बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव करेंगे, चाहे स्टूडेंट्स हैं, चाहे कुछ कोई भी हैं, कोई भी इस टाइम इस वीडियो को देख रहा है, इट्स अबाउट इमर्जिंग ब्यूटिफुल एनर्जी, ठीक है, वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है। चलिए और देख लेते हैं, ये हमें आपकी लाइफ स्टोरी दिखाई दे रही है, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं, एंड आई एम लाइक कन्फ्यूज्ड विच डेक टू पिक, ओके, चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। ओके, सो पाइल नंबर वन, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, आपकी लाइफ देख लेते हैं, आपकी लाइफ स्टोरी। वाओ, ब्रिलियंट ब्रिलियंट। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर 10, ठीक है, आपकी लाइफ में इट्स अबाउट फॉरगिव, फॉरगिव, यू नो शायद हो सकता है कि आपको फॉरगिव करने में टाइम लगा हो, बट येस यू आर ऑन दैट रोड, या आप कर चुके हैं। पास्ट में क्या था कि देखिए एक मूवी चल रही है, पास्ट में क्या था, विलन था, एक था विलन, एंड यू लाइक आप समहा उसमें से निकल आए, ठीक है, वो किसी भी वे में हो। Now you are building your empire, या आप happy हैं, आप content हैं, आपको पता है कि ठीक है फूलों के साथ कांटे भी होते हैं, बट इट्स ओके, इस चीज़ ने आपको आगे बढ़ने में मदद की है, ठीक है, लाइक जो कांटा था इसने आपको आगे बढ़ने में मदद की है, और अब आप उसको क्राउन को, अपने क्राउन को जो फूलों के साथ जो कांटे भी हैं उनके साथ इट्स अबाउट आप चेरिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं नंबर 14 इक्वल्स टू 5 एज वेल, ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, 5 ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर, यहाँ 11 है, ठीक है, 11 मतलब लाइक अ चेंज, ठीक है, मे बी इट्स अबाउट लाइक आपको साइंस दिखते हो, नंबर्स दिखते हो, ठीक है, तो वो चीज़ है कि वो ऑलरेडी जो एनलाइटमेंट है वो ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है। नाउ फ्यूचर की बात कर रहे हैं, वी हैव लाइट हाउस हियर, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कितना अच्छे से मर्ज हो रहा है, कितना अच्छे से ये एनर्जी मैच हो रही है। मैं आपको बोल रही थी नंबर 24 इट्स ऑस्पिशियस नंबर, ठीक है, बहुत सारे दरवाजे नए नए खुल रहे हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है डोंट डाउट योर वर्थ, और ऊपर लिखा हुआ है आई एम इनफ, आप उस एनर्जी में हैं दैट यू आर इनफ, ठीक है, बहुत अच्छी एनर्जी उभर के आ रही है। और कुछ भी करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, आप कुछ स्टोर ओपन करना चाह रहे हैं, आप कुछ करना चाह रहे हैं लाइफ में, कुछ बिल्ड करना चाह रहे हैं, या मे बी इट्स अबाउट ग्रोथ, इट्स अबाउट समथिंग पावरफुल, समथिंग लाइट, यू नो एनलाइट जिसे कहते हैं, वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है। सो अपना विजन रखिए,
बी क्लियर वट यू वॉन्ट, क्योंकि आगे हमें कहते हैं ना, जीत ही दिखाई दे रही है, हैप्पीनेस ही दिखाई दे रही है। अब आपको पता चल गया, अब आपको समझ आ रही है कि यू आर इनफ, चाहे वो करियर है चाहे वो लव लाइफ, आपको पता है कि यू आर इनफ। अब आपको किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, आपको अपनी लाइफ में आगे ग्रो करना है, और उसके लिए भगवान का साथ ज़रूरी है एंड येस ऑफकोर्स आपकी खुद की, यू नो, कि आप कैसा फील करते हैं फ्रॉम इनसाइड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो ये चीज़ हमें आपकी लाइफ स्टोरी में दिखाई दे रही है। पाइल नंबर वन, ब्यूटीफुल। चलिए ओके, लेट अस पुल सम चार्म्स। वाओ, सो मेनी चार्म्स हियर। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास बुद्धा है, ठीक है, लॉर्ड बुद्धा है। तो इट्स अबाउट पेशेंस, इट्स अबाउट पीस। तो आप, मैंने आपको बताया था आप में पेशेंस तो बहुत है, ठीक है। देन वी हैव स्टार, आई टोल्ड यू, स्टार एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंज, ठीक है, बाय विंटर्स। और आप लाइक विंटर्स का हर सीज़न मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए, बट स्पेशली यहाँ पर मुझे विंटर सीज़न दिखाई दे रहा है। देन वी हैव अ सिंबल हियर, लव। सो ये भी हो सकता है कि लव इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ वेरी सून। एंड एंजल विंग्स है यहाँ पे, टर्टल है, सी टर्टल है, लॉट ऑफ पीकॉक, ठीक है। तो सारी चीज़ें, इट्स अबाउट क्रिएटिविटी, इट्स अबाउट ग्रोथ, इट्स अबाउट फॉरवर्ड मूवमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन, और क्या सुनना चाहते हैं आप, ठीक है ना। एंड येस, आपने जो भी पेशेंस रखा है, इट्स ऑल अबाउट विद इन। चेंज जो है वो आप विद इन फील कर रहे हैं। बुद्धा, इट्स अबाउट एनलाइटमेंट, ठीक है, अंदर ही सब कुछ जो है वो है। आपको पता है कि येस, यू आर डूइंग गुड, यू आर एब्सोल्युटली डूइंग वेरी वंडरफुल जॉब। यहाँ पे हमारे पास शिव शक्ति का भी सिंबल है, ठीक है। सो ऑल इन ऑल ये जो रीडिंग है, इट्स सुपर्ब। और ये आपकी लाइफ स्टोरी जो यहाँ आपके सामने है, इन फ्रंट ऑफ यू। सो आगे के लिए भी बहुत अच्छा सब कुछ दिखाई दे रहा है। नॉट टू वरी एट ऑल, और वाइजली अपने डिसीजंस लीजिए, एंड विच यू ऑल द वेरी बेस्ट। अब हम पाइल नंबर टू की बात करेंगे और देख लेते हैं पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, आपकी क्या लाइफ स्टोरी है। चलिए देख लेते हैं। जिनका भी नाम एन से लेके जी के बीच में है, यानी कि एन से लेके जेड के बीच में है। कई लोग ये पूछते हैं कि जी, तो जी का मतलब जेड, ठीक है, एन से लेके जेड के बीच में है। तो आपके लिए है पाइल नंबर टू, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, योर स्टोरी, योर लाइफ स्टोरी। ओके, ओके, सो आई थिंक जिनका भी जो जिन्होंने भी पाइल नंबर टू चूज़ किया है, ठीक है, यहाँ पे हमें एक बहुत बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके पास में वी हैव दैट हीलर ऑफ एजेस कार्ड। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है, जो भी हो रहा है, उसके कारण, उसके पीछे वो डिवाइन एनर्जी है। शायद हो सकता है कि वो आपको आपकी लाइफ में कुछ स्टेबल बनाना चाहते हैं, आपकी लाइफ में आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, ठीक है। और इट्स ऑल अबाउट कर्मा, ठीक है, कि जैसे आप कर्म करते हैं वैसा आपको फल मिलता है, वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। ब्यूटीफुल एनर्जी। एंड यहाँ पे मेरे लिए इट्स काइंड ऑफ अ कार्ड ऑफ शिवा, या जिनमें भी आप बिलीव करते हैं, डिवाइन एनर्जी, ठीक है। तो पास्ट में आई थिंक मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमेशा वही आपके साथ थे, और आज भी वही आपके साथ हैं, और कल भी वही आपके साथ होंगे, ठीक है। सुप्रीम पावर, स्पिरिचुअल, आई एम गेटिंग वेरी स्पिरिचुअल वाइब्स आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस, यू नो, जो भी है। चलिए देख लेते हैं, आप थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ और करियर। ओके, लव लाइफ की अगर बात करें, इट वॉज वेरी वेरी पेनफुल। मुझे ऐसा लगता है बहुत पेनफुल, नाइन ऑफ सोट्स, लाइक समथिंग वुड हैव हैपन्ड इन योर लाइफ, कुछ हुआ होगा लाइफ में, आप ठीक से सो भी नहीं पाते होंगे, खा भी नहीं पाते होंगे, दैट काइंड ऑफ अ पेनफुल थिंग आई एम गेटिंग इन योर लाइक पास्ट एनर्जी, प्रॉब्लम्स, या आप रोते होंगे तो किसी को बता भी नहीं पाते होंगे, दैट काइंड ऑफ अ थिंग, ठीक है। और यहाँ पे हमें एक डिवाइन एनर्जी दिखाई दे रही है कि येस, कि शायद हो सकता है कि डिवाइन ने एंजल्स आपके जो अराउंड हैं,
उन्होंने आपको हेल्प आउट किया इसमें से निकलने के लिए, ठीक है, किसी ने नहीं, सिर्फ उन्होंने, डिवाइन एनर्जी, आपके मेंटर, आपके गाइड जिनमें आप बिलीव करते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है। सो अगेन अ ब्यूटिफुल एनर्जी, मैं ये नहीं कहूँगी इट्स अ बैड एनर्जी, इट्स अ गुड एनर्जी दो, और बट येस इट वॉज़ वेरी पेनफुल, जो भी कुछ था इट वॉज़ वेरी पेनफुल, ठीक है। और ये आप किसी के साथ डील कर रहे थे एंड इट डिड नॉट वर्क, या आप यूँ मान के चलिए कि देखिए जो भी होता है, मैं आपको पहले ही कह चुकी, जो भी होता है वो किसी कारण से होता है, ठीक है, तो भगवान ने आपको मिलाया, किस लिए मिलाया, सो दैट कि आप लोग इस रिलेशनशिप में कुछ सीख सकें, एनलाइट हो चुके हो सके। आप देख सकते हैं हैंड मैन यहाँ पे, अगर हम इसको ऐसे कर दें तो आप देख सकते हैं कि आपके अंदर कुछ लाइट आए, ठीक है, आप सोचें, आप समझें कि आप क्या कहाँ स्टैंड करते हैं, क्योंकि पहले आप उल्टे लटके हुए थे, बट जब ये रिलेशनशिप आया तो आप ऐसे हो गए, आपको समझ आनी शुरू हो गई, आपको पता चलना शुरू हो गया कि यस देयर इज़ समथिंग, कुछ है यहाँ पे। और अचानक से आपके कहते हैं ना दिमाग की बत्ती जल जाना, वो चीज़ दिखाई दे रही है मुझे, बट जोक्स अपार्ट, यस। करियर की अगर बात करें तो आई थिंक इट्स अबाउट स्ट्रगल, ठीक है, स्ट्रगल किया आपने, चाहे वो फाइनेंसिस रिलेटेड हो, चाहे वो कुछ भी हो, यू लाइक फेस्ड लॉट ऑफ स्ट्रगल चैलेंजेस, ये आपने हार्डवर्क बहुत किया है, ठीक है, और कन्फ्यूज रहते हैं कि कैसे होगा क्या होगा, ये पास्ट एनर्जी है। नाउ करंट, अगर रिलेशनशिप की बात करें देन आई थिंक इट्स अबाउट गोइंग थ्रू एन सेपरेशन एंडिंग, या हो चुका है एंड, ठीक है, ये पेनफुल एंडिंग हमें दिखाई दे रहा है, गोइंग थ्रू अ एंड, या स्टिल देयर इज लाइक अ लिटिल कोडिपेंडेंसी, ठीक है, बट रुक नहीं रहे आप, द गुड थिंग इज दैट आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जो आप फेस कर रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम है आप उसको, आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। आपको टेंशन्स हैं बट आपको पता है कि आपको ये करना है, ठीक है, आप उस चीज़ से बाहर निकल रहे हैं, जूझ रहे हैं लेकिन बाहर निकल रहे हैं, द गुड न्यूज़ इज़ क्योंकि आगे की तरफ बढ़ रहा है, यहाँ भी हॉर्स है हमारे पास, यहाँ भी हॉर्स है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, इट्स वॉकिंग, इट्स यू नो, बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आ रही है, और मे बी लाइक सम स्पिरिचुअल कनेक्शन, सक्सेस की तरफ, विक्ट्री की तरफ, ऑलरेडी आप अचीव कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में एंड आगे भी करेंगे, ठीक है ना, ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है, बट यू आर इन टू अ लाइम लाइट, मे बी हो सकता है कुछ अच्छा कर रहे हैं, पॉजिटिव कर रहे हैं, पीपल आर लुकिंग टू यू, बट स्टिल देयर आर सम फाइनेंशियल है इशूज जो आप फेस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो कब होगा कब होगा कब होगा, ठीक है। और लव लाइफ की बात करें तो आई थिंक इट्स गोइंग थ्रू एन एंड ओनली, या आप रिकन्सिलिएशन का शायद हो सकता है वेट कर रहे हैं कि कब शायद कहीं से आउट ऑफ ब्लू मून या कुछ ऐसा हो जाए, करिश्मा हो जाए और आप लोगों का रिकन्सिलिएशन हो जाए, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। फ्यूचर की बात कर लेते हैं, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि यस यू आर चूजिंग टू बी इंडिपेंडेंट, या हो सकता है इट्स अबाउट दैट कि आप अपने आप को लाइक यू नो अलग रखना चाह रहे हैं, सिंगल, और मे बी इट्स अबाउट तब तक शादी नहीं करना चाह रहे जब तक आपको ये लगता है कि राइट टाइम नहीं आ जाता, या जब तक वो पर्सन आपके पास नहीं आ जाते, पीछे नहीं आ जाते, या ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है, ठीक है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। यस, लव लाइफ के लिए मे बी डिस्टेंस है, ठीक है, या वेटिंग फॉर समथिंग, और कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट, आप देख सकते हैं कि यू नो लाइक जहाँ वर्ल्ड इज वेयर यू नो लाइक टू एंड्स मीट, वो चीज़ दिखाई दे रही है, तो बीच में बहुत सारे इश्यूज हैं, बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं सॉल्व आउट करनी है, ठीक है, तो वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है, यू हैव टू वर्क टूवर्ड्स इट फॉर अ राइट कनेक्शन। तो तब तक के लिए मुझे ऐसे लगता है कि आप साइलेंट रहने वाले हैं, आप अपने आप पे काम करने वाले हैं, कुछ लोग तो हो सकता है यही ऑप्ट कर लें कि सिंगल ही रहना है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट यू हैव टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स इन द रिलेशनशिप, ठीक है, और सडनली अचानक से फिर ये पिकअप करें, वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है। कुछ के लिए इट्स अ न्यू रिलेशनशिप, अ न्यू स्टार्ट, ठीक है, और शायद हो सकता है कि ऑन ऑफ ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है, और डिफरेंट लेयर्स। करियर वाइज इट्स ब्रिलियंट पाइल नंबर टू। फ्यूचर होल्ड्स अ प्रॉमिसिंग फ्यूचर जिसे कहते हैं, वी हैव एम्प्रेस,
वी हैव स्टेबिलिटी हियर, लेट मी शो यू. कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, आप देख सकते हैं. स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, वो वाली बात हो गई. एम्प्रेस, ग्रोथ, ग्रोथ, प्रॉपर ग्रोथ, जो आप सोचते हैं वैसा आप हो जाएगा, या आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, और मे बी नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आएंगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है. इन द फ्यूचर वी हैव नंबर 6, इट्स अबाउट कॉन्ट्रैक्ट जैसा कर्मा. ये ज़रूर ध्यान रखिए आपकी रीडिंग में स्पेशली ये है कि जैसा आप कर्मा करते हैं वैसा ही यू लाइक यू गेट इट. तो वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है कार्ड में. आपके एंजल्स आपको यही गाइड कर रहे हैं कि वॉच योर कर्मास, ठीक है. अगर आप मेहनत कर रहे हैं, अगर आप हार्डवर्क कर रहे हैं, आपको उसका फल मिल रहा है, ठीक है, ज़रूर मिलेगा. और यही आपके रिलेशनशिप में भी होता है. कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कॉन्ट्रैक्ट, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट, बैलेंस ज़रूरी है. और शायद हो सकता है कि उसी के हक में होता है, ठीक है, जो सही कर्म करता है, वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है. नंबर 6, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स में भी हो सकता है आप अपनी लाइफ में कार्मिक लोग बहुत जल्दी आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, या हो सकता है. सो अपनी जोन में आना होगा, अपनी पावर में आना होगा. पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करना है. ये नहीं है, पावर का मतलब ये नहीं होता कि मैं कहती हूँ पावर है तो उसका मतलब आप अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करें. नो, इसका मतलब ये है कम इन टू योर पावर मीन्स अपने साथ गलत ना होने दीजिए, लेकिन अंदर से यू बी काइंड एंड हेल्पिंग पीपल आउट, वो चीज़ मैं बोल रही हूँ, ठीक है ना. बट येस, दिस इज़ वॉट आई एम गेटिंग फॉर पाइल नंबर 2. ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल. सो फ्यूचर के लिए इट्स अबाउट दैट ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज और फ्रेश स्टार्ट, न्यू आइडियाज़. सो आपकी अगर स्टोरी में समअप करूँ तो इट्स अबाउट कि जो कुछ भी हो रहा है, आपको लगा कि कुछ गलत हो गया, आपको लगा कि ये क्या हो गया आपकी लाइफ में, पर वो होना ज़रूरी था, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो शायद आपको समझ नहीं आती, शायद आपके अंदर वो रोशनी नहीं आती, ठीक है. और कहते हैं ना कि आपको तो समझ नहीं आ रहा था क्योंकि आपकी लाइफ अपसाइड डाउन थी, बट पास्ट में जो कुछ भी हुआ, चाहे वो आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है, चाहे करियर से रिलेटेड है, आप सीधे हो गए, दैट काइंड ऑफ अ थिंग. फिर उसके बाद, क्योंकि यहाँ हमें हैंगमैन दिखाई दे रहा है, आपको मैंने बताया था, राइट. नाउ अगर फिर आगे निकले तो इट्स अबाउट कि सक्सेस की तरफ, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ निकल रहे हैं, या निकल चुके हैं, या निकल रहे हैं, स्टिल गोइंग ऑन, मैं ये बोलूँगी. और आगे कर्मा है जो वेट कर रहा है. वो क्यों? क्योंकि आपने मेहनत की है, आपने हार्डवर्क किया है, आप जो करेंगे आप वो पाएंगे. सो सच अ ब्यूटिफुल स्टोरी, पाइल नंबर 2. चलिए आप हम थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं फॉर ऑल पाइल नंबर 2. ओके, पास्ट में ये चीज़ है कि यस, इट्स अबाउट लाइक आप इमर्ज होके आए हैं, ठीक है. नाउ वी आर गेटिंग नंबर 7. यू आर रेडी टू कट थिंग्स आउट ऑफ योर लाइफ जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं. सो इट्स अबाउट कि आप रेडी हैं अपनी लाइफ में वो एक ड्रास्टिक चेंज. तो उसके लिए बहुत करेज चाहिए होती है, बहुत हिम्मत चाहिए होती है. देन वी हैव ड्रैगन्स. तो ऑलरेडी जितना मर्ज़ी आप थके हुए थे, जितना मर्ज़ी आप चैलेंजेस फेस कर रहे थे, लेकिन आपने उस चीज़ को अपनी लाइफ से जाने दिया, आपने अपने आप पे हिम्मत की, ठीक है. और आपको पता है कि यहाँ से कुछ अच्छा ही ग्रो होगा, आपको ये विश्वास था. आप देखिए, गार्डन, समथिंग लवली विल ग्रो, ठीक है, आप देख सकते हैं. और आपने अकेले इस चीज़ को फाइट किया, और अब वो मेजर टर्न चल रहा है आपकी लाइफ में, कि अब आप यू नो ड्रास्टिक चेंज, जिसे कहते हैं कि आप, हो सकता है आपके लिए पेनफुल हो सकता है आप ये चीज़ थोड़ा सा ना टॉलरेट कर पाए, इट्स अबाउट यू नो. तो वो चीज़ अभी चल रही है, बट फॉर द फ्यूचर आई एम गेटिंग ब्यूटिफुल अगेन सन कार्ड, ब्राइट, पॉजिटिव. तो आपकी लाइफ में फिर से खुशियाँ आएंगी, अबंडेंस आएगी. इट्स अबाउट खुशी, इट्स अबाउट चाहे आप शादी को लेके कहिए, या आप यू नो करियर को लेके कहें, सन, पेंट द सन बैक इनटू योर लाइफ, ठीक है. तो आपकी सोच पे अगेन वी हैव नंबर 11 हियर, 11, ठीक है. हो सकता है आप ये प्रोमिनेंट देखते हो, नंबर 2, या कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट मॉर्निंग, द वर्ल्ड अवेट्स यू. सो पाइसेस एनर्जी कमिंग थ्रू, लॉट ऑफ वाटर एनर्जी कमिंग थ्रू. सो इट्स अबाउट लाइक आपको पता है दैट यू आर हैप्पी एंड यू आर डूइंग गुड. मैंने आपको बोला ना, आप अच्छा कर रहे हैं, एंड पीपल आर प्रेजिंग यू, यू आर सो डूइंग वंडरफुल. चलिए
चार्म्स पुल कर लेते हैं। वाह, वी हैव स्टार, देखिए अपने आप ही आ गया स्टार। सो यू आर अ स्टार, ठीक है। वी हैव बीटल, और इट्स अबाउट, आई थिंक बीटल अबाउट समथिंग अबाउट स्टडी, अबाउट चेंज। ओके, देन वी हैव स्नोफ्लेक्स हियर, बुद्धा हियर, ठीक है। बुद्धा कार्ड, बुद्धा का यहाँ पे है हमारे पास, चाबी है हमारे पास। सो आपको चाबी, समथिंग रिलेटेड टू की, गाड़ी की चाबी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, की, अनलॉक, कुछ ना कुछ, ताले, चाबियाँ, व्हाटएवर, लॉक खुलने वाले। और देखिए स्टार अगेन, डबल स्टार हियर, डबल स्टार हियर, टेल यू, एंजल विंग्स, पीकॉक, हैंडमेड, आउल, माता लक्ष्मी का सिंबल जो है, तो माता लक्ष्मी भी हमारे पास यहाँ पे आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं। समथिंग हैंडमेड, सो मे बी यू आर डूइंग समथिंग लाइक हैंडमेड प्रोडक्ट्स होते हैं या कुछ हो सकता है, डूइंग समथिंग, क्रिएटिविटी, इट्स अबाउट क्रिएटिविटी, डूइंग समथिंग, ठीक है, क्रिएटिव वो चीज़ है। सो आई थिंक इट्स लाइक यू हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, ये आपकी लाइफ की स्टोरी है और आप बहुत अच्छा आगे कर सकते हैं। वंडरफुल एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर ऑल पीपल, पाइल नंबर वन एंड पाइल नंबर टू। क्विक देख लेते हैं क्या गाइडेंस है, क्विक क्विक क्या गाइडेंस है। ओके, वी हैव आइसोलेशन, सो आप कुछ भी है, वरी वरी नॉट, अपने पर्पस पे फोकस कीजिए। गाइडेंस क्या है, आइसोलेशन, डोंट वीप, डोंट क्राई, रोना धोना नहीं है, किसी चीज़ को लेके टेंशन नहीं लेनी है, बुरा नहीं मानना है। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।